चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो याद रखिए, आपका कक्षा 10वीं के विज्ञान का लास्ट चैप्टर 16वां चैप्टर है। इससे पहले आपके 15 चैप्टर खत्म कर दिए गए हैं, और उन सभी आपको कहाँ मिल जाएंगे, एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डले हुए हैं। कक्षा 6वीं से लेकर अभी तक जितनी भी आपकी क्लासें ली जा रही हैं सभी उसी में मिल जाएंगी आपको। और इस अध्याय के खत्म होने के साथ ही आपकी कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की सभी बुक्स जो आपकी सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी हैं उन्हें कवर करवा दिया गया है। अब इसके बाद आपकी 11 और 12वीं की बुक्स बचती हैं, उसे भी हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है, जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारी संपोषित लंबी परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला शिल्प, त्योहार, भोजन, आस्थाओं, अनुष्ठान व लोकगीत के साथ एकीकृत है। हमें यह दर्शन है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबम कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्व वेद का ही एक हिस्सा है। याद रखिए, आप देखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, ये आपको विदेश नीति आपकी जब निर्धारण की जाती है तब भी आपको ये शब्द कई बार देखने को मिलता है आपका। ठीक है। कक्षा 9वीं में हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, वायु एवं जल के बारे में पढ़ा था, और तथा यह भी जाना कि विभिन्न संगठनों की प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा है कि हमारे क्रियाकलापों से इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है, यानी कि अभी जो 15वां चैप्टर पढ़ा था उसमें। इस अध्याय में हम कुछ संसाधनों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हम किस प्रकार उनका उपयोग कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम यह भी सोचें कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसाधनों का संपोषण हो सके और हम अपने पर्यावरण की संरक्षण भी कर सकें। हम वन और वन्य जीवन, जल, कोयला, पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोषित विकास हेतु इन संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। आपने देखा होगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अपनी आपकी संपोषीय एक तरह से विकास पर आधारित थी, कि अभी यूज का अभी उपयोग जो आप संसाधन कर रहे हैं उनका उपयोग इस तरह करें कि आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी ये सुरक्षित बने रहे। ठीक है। सबके विकास के लिए। हम अक्सर ही पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सुनते या पढ़ते रहते हैं, या अधिकतर वैश्विक समस्याएं हैं तथा इनके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। इनके लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानून व विनियमन है तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून है। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। आजकल आप देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण के में देखेंगे आप लोग कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आप लोग ये दो मैटर तो ऐसे सुनते रहते हैं जो हर जगह आपको समस्या के रूप में खड़े हैं आपके सामने। आधे से अधिक जनसंख्या को आप देखेंगे वायु, मतलब दिल्ली और मुंबई का तो ये हाल है कि वहां सांस लेने में भी एक तरह से मुश्किल हो रहा है, और कई शहरों में आप देखेंगे पानी इतना दूषित पिया जाता है कि वो जानवर ही भी ना पिए, आप समझ रहे हैं, वो इंसान पी रहे हैं, उनकी हालत समझ सकते हैं। चलिए क्रियाकलाप 16.6 को 16.1 को पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में विनियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक का पता लगाइए। इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम इन मानकों का को प्राप्त करने हेतु किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 16.2 को भी पढ़ लीजिए। ऐसे अनेक संगठन हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में लगे हैं, वे ऐसे क्रियाकलाप का भी प्रोत्साहन करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अपने आसपास के क्षेत्र, शहर, कस्बे, गांव में कार्य करने वाले संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। पता लगाइए कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं, ये जो एनसीईआरटी है ये आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको कोई ऐसा शब्द नहीं देखने को मिलेगा जो आपको समझ में ना आए। आप अगर घर से एक से दो बार पढ़ते हैं आपका पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और याद रखिए, आपके जितने भी संगठन हैं, फिर चाहे पर्यावरण संगठन हो, आपके राष्ट्रीय संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सबको कवर करवा दिया गया है आपका। और आजकल आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन उनसे हमेशा पूछे जा रहे हैं,
तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सभी आपके संगठन डले हुए हैं। अगर आपको लगता है कोई छूटा हुआ है तो बताइए, उसे भी कवर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है। संसाधनों की अविवेकपूर्ण दोहन निशेषण से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जब जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। आपने गंगा सफाई योजना के विषय में अवश्य सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कोली फार्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। आपने देखा होगा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी नई सरकार ने चलाया था। अब तो आप देखेंगे काफी हद तक साफ हो चुकी है। पहले क्या दिखा जाता था कि इलाहाबाद हो, फिर चाहे आपका बनारस हो या कानपुर हो, जो भी गंदा जल निकलता था एक तरह से पानी, वो इसी में डायरेक्ट मिला दिया जाता था। लेकिन अब पूरी विधि एक तरह से उपचार करके उसे छोड़ा जाता है। और जो आप देखते थे चमड़े की फैक्ट्रियां थी इसके आसपास, उन्हें भी हटा दिया गया वहां से। ठीक है, अब तो काफी सुधार हुआ है। इसे देखिए, गंगा जल में संपूर्ण कोली फार्म गणना स्थल, ये गंगोत्री ऋषिकेश, ये आप 2007 की बात है, ये 2011 की। ठीक है, देवप्रयाग, रुड़की, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मोकामा, बहरमपुर, दक्षिणेश्वर, गारन रिज, पाल्टा, डायमंड हार्बर, न्यूनतम वांछित स्तर सीपी सीबी। गंगा का प्रदूषण। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर का सागर तक ये 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। यानी कि ये आपकी गंगोत्री से निकलती है और आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। लगभग इसकी 2500 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। इसके किनारे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की 100 से भी अधिक नगरों में ने इसे एक नाली में बदल दिया था। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रभावित किया जाना है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना, यही नहीं, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया कि इसके विषैली आदि अन्य कारण है, और इससे जल में मछलियां मरने लगी। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन बिंग है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया गया था। अब तो बताया ना कि अब तो काफी आपको देखने को मिलेगा। ठीक ठाक, वही कहते हैं ना कि जिसका जो कहते थे कि गंगा जिस किसी का उद्धार कर देती है, आज वो अपने लिए खुद चिल्ला रही थी। तो नई सरकार ने कुछ काम तो अच्छे आप कह सकते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा कहीं कि नए काम अच्छे काम बताना है, तो एक स्वच्छ भारत हो गया, एक गंगा को साफ करने की बात हो, आप देखिए फिर चाहे जनधन वाले खाते खुलवाने की बात हो, फिर चाहे आपका उज्ज्वला योजना हो, एक कुछ ऐसे काम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मापन योग्य कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल की गुणवत्ता का निर्धारण अथवा प्रदूषण मापन किया जाता है। कुछ प्रदूषक अत्यल्प मात्रा में होती हुई भी हानिकारक हो सकते हैं। इनके मापन के लिए हम अत्यंत परिष्कृत उपकरण उपस्करों की आवश्यकता होती है, परंतु अध्याय दो में हम यह भी पढ़ चुके हैं कि जल का पीएच सरलता से सार सूचक की सहायता से मापा जा सकता है। आप देखते हैं ना पीएच मान सुनते रहते हैं। क्रियाकलाप 16.3 को पढ़ लीजिए। सार सूचक की सहायता से अपने घर में अपूर्ण पानी का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अपने अड़ोस पड़ोस की जलाशय, तालाब, झील, नदी, झरने का पीएच मान भी ज्ञात कीजिए। क्या अपने प्रेक्षणों के आधार पर बता सकते हैं कि जल प्रदूषित है अथवा नहीं? परंतु हमें समस्या के विशाल रूप को देखकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके द्वारा हम स्थिति में अंतर ला सकते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार की आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा, जैसे रिफ्यूज, इसमें आप देखेंगे इनकार, रिड्यूज यानी कि कम उपयोग, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग, रिपर्पज पुनः प्रयोजन, रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण,
ये आर जो 5 आ रहे हैं आपके, इन्हें भी आपको याद रखना है सबके बारे में। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि इसके लिए भी जब भी आंसर राइटिंग आप करते हैं या निबंध लिखते हैं उस समय आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इनकार, इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना, उन उत्पादकों को खरीदने से इनकार करो करें जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक के थैलों को लेने के लिए इनकार कर सकते हैं। और याद रखिए इनकी जगह आप जूट के थैले, कपास के थैलों का उपयोग करिए ना, एक तरह से ये आराम से अब विघटित भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं, प्लास्टिक आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। कम उपयोग, इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आपको आहार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम किया जा सकता है? एक तरह से आप सोचिए कि ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे आप दूध लेने जाते हैं या कोई और भी सामान लेने जाते हैं तो अपने घर से डिब्बा ले जा सकते हैं, ठीक है? तो इससे भी आप काफी योगदान दे सकते हैं। और पानी का आप लोग उस समय भी उस समय महत्व समझते होंगे जब आप सोचिए आपके यहाँ भी घर की टंकी खाली हो। आप सोचिए एक गिलास के लिए भी आप तरस जाते हैं कि एक गिलास मिल जाए तो मुंह भी धो लें। और जब पानी होता है तो आप देखते हैं कि बाल्टी बाल्टी निकालते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। फिर आता है पुनः उपयोग। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। लिफाफे के फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। अन्य कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं? बोतलों की सही बात है। आप देखते हैं कि जब भी आप कोई, जैसे आप लीजिए पेप्सी पी रहे हैं आप, तो उसकी कम से कम एक बोतल आएगी, उसमें तेल रख लीजिए या और भी कोई सामान रख सकते हैं, इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? पुनः उपयोग। फिर आप देखते हैं पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब वो उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे लगाना, यानी कि पौधारोपण करना। इसमें आप देख सकते होंगे कि जो डालडा या का जो एक तरह से बड़ा डिब्बा आता है उसे आप लोग गमले भी बना सकते हैं उससे आराम से, ठीक है? पुनर्चक्रण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक ना हो इनका नया उत्पादन संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। और इनके पुनर्चक्रण के लिए पहले हमें अपद्रव्यों को अलग अलग होना अलग अलग करना होगा जिससे कि पुनर्चक्रण योग्य वस्तुएं दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में ना फेंक दी जाए। क्योंकि आपके गांव, कस्बे अथवा नगर में ऐसा कोई प्रबंधन है जिससे इन पदार्थों का पुनर्चक्रण किया जा सके। यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय भी हम पर्यावरण संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे चयन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये प्रभाव तत्कालिक, दीर्घकालिक या अथवा व्यापक भी हो सकते हैं। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती है ही है, साथ ही साथ देखेंगे भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, अतः संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। क्रियाकलाप 14.4 को भी पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? क्या आप कई वर्षों के बाद किसी गांव अथवा शहर में गए हैं? यदि हाँ तो क्या पिछली बार की अपेक्षा नए घर, सड़कें बन गई हैं? आपके विचार में इन्हें बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई होंगी? इन उन पदार्थों की सूची बनाइए और उनके स्रोतों का भी पता लगाइए। अपने द्वारा बनाई गई सूची को अपनी सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। क्या आप ऐसे उपाय सुझा सकते हैं जिनके इन वस्तुओं के उपयोग में कमी लाई जा सके? इन क्रियाकलापों को आपको पढ़ना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर समझ में आते हैं ठीक है, वरना छोड़ के निकल जाना, ठीक है? फिर आप सूची बनाने लगे और आप बैठ कर फिर अपने सहपाठियों से चर्चा करने लगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे अपने दिमाग में सोच लेते हैं, काफी मालूम चल जाता है। अब बात करते हैं हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, आखिर इतना जोर क्यों दिया जाता है?
केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं, परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि, सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा विक्रमों से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विक्रमों द्वारा ही प्राप्त होती है। हम अपने संसाधनों की सावधानी पूर्वक यानी कि विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की क्यों आवश्यकता है, यानी कि अपने दिमाग से सोचकर इनका उपयोग करने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये संसाधन असीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गुना तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा और ये अगली कई पीढ़ियों के तक उपलब्ध हो सके। संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा शोषण नहीं है। इस प्रबंधन में इस बात की को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, ना कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इनका लाभ मिले। एक बात और आपको बता दूं इसमें, क्या कि आप सोचिए कि पर्यावरण पेड़ों को इतना महत्व क्यों देने की बात कर रहा हूं। आप खुद सोच के देखिए, जैसे आपके मान लीजिए कि फेफड़ों की बात कर लीजिए, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के आप लोग छोड़ दे रहे हैं, ये कहाँ जा रही है? यहाँ ये पेड़ आपके बदल रहे हैं किसमें? ऑक्सीजन में। और इस तरह से एक चक्रीय प्रक्रिया एक तरह से चलती रहती है। आप समझिए कि आप एक समय एक तरफ आप बॉल खेल रहे हैं, दूसरी तरफ फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो आप सोचिए कि कहने का सीधा सा मतलब है कि फेफड़ों का आधा हिस्सा आपके पेड़ हैं, या और भी जो वो संसाधन एक तरह से जो आपके ऑक्सीजन में बदलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसलिए महत्व बढ़ जाता है। और एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण की क्षति को पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और आप लोग कोयला को देख लीजिए, कच्चे तेल को देख लीजिए, इसके भंडार तो आपके पास असीमित नहीं है, सीमित है ना। आप समझिए कि कितने हैं, कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे, और बनने में इन्हें कितना टाइम लगता है? लाखों साल। और सबसे ज्यादा प्रदूषण भी आपके फैला रहे हैं। दिल्ली में अगर आप कहिए कि जितना पराली जलाने का प्रदूषण है, उतना ही गाड़ियों से प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण फैल वायु प्रदूषण में उतना ही योगदान दे रहे हैं। संपोषित विकास व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को वर्तमान वैश्विक चिंताएं। हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा व संस्कृति की तुलना में हाल ही की है। पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्रकृति संरक्षण व संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता अपने अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। हमारे प्राचीन साहित्य ऐसे उपकरणों से भरा है जहाँ मूल और प्रकृति के प्रति मनुष्यों की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। आप लोग देखते होंगे, आज से पहले कुछ साल पहले आप जाइए गाँव में, आप किसी पेड़ को काटते थे तो बड़े सम्मान देते थे। बरगद के पेड़ को नहीं काटा जाता था, उसमें आप देखते थे नीम के पेड़ को नहीं काटा जाता था, वहां आप देखते थे पीपल के पेड़ को नहीं काटा जाता था। और इस समय देखिए आप लोग, कोई भेदभाव नहीं, सबको एक तरफ से निपटा दिया जा रहा है। तो पहले आप कहिए कि हमारी परंपरा कह लीजिए, संस्कृति की जो भी देन कह लीजिए, काफी हम लोग पर्यावरण को संरक्षण दे रहे थे। क्रियाकलाप 16.5 को पढ़ लीजिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी व प्रकृति संरक्षण के लिए परंपरागत तरीकों का अवलोकन करें। अपना अनुभव सभी सभी सहपाठियों को बताएं। एक रिपोर्ट विवरण बनाकर जमा करें। भारतीय साहित्य जैसे उपनिषद व स्मृतियों में जंगलों के उपयोग व प्रबंधन तथा संपोषिता को एक अंतर्निहित विषय के रूप में जोड़ दिया गया है। संस्कृत साहित्य अथर्ववेद की एक त्रिचा के अनुसार ग्रस्ते पर्वता हिमवंतोरण ते पृथ्वी सेओन्मस्तु बम्फ्रु कृष्णान रोहिणी विश्वरूपा ध्रुवान भूमि पृथ्वी बिमिंद गुप्ताम अजीतो हदो अक्षित तोधिष्ठा पृथ्वी भी हम, अथर्ववेद से लिया गया है आपका। देखिए संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग संस्कृत का विद्वान जो भी हो पढ़ते रहिए। ये पृथ्वी देवी है, तुम्हारे बिना बर्फ वाले और बर्फ वाले पर्वत और जंगल कल्याणकारी हो। हे विभिन्न रंगों वाली स्थिर एवं रचित पृथ्वी, जिस पर मैं
अजेय अनाहत और अक्षर होकर रहूं। एक अन्य त्वचा के अनुसार यते भूमे बिखनौमि क्षिपर तदपि रोहितु माते मर्म में गौरी माते हृदय मर्पिपम। ये भी अथर्ववेद से लिया गया है। हे भूमि, मैं जो तुम पे खड़ा खड़ा गर्त खोदता हूं वैसे ही भर जावे। मैं तुम्हारे मर्म चराचर जगत को और हृदय को हत करने वाला ना बनूं। बाद में देवी चंद द्वारा लिखित पुस्तक अथर्ववेद संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन में अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। एक भी आप देखते थे कि जब भी आप लोग कुआं खोदते थे या कुछ कर रहे हैं कहीं, तो आप लोग धरती माता के पैर छूते थे कि हे धरती माता, मैं माफ करना, ऐसा वैसा। आप समझिए कि हम लोग धरती को माँ मानते थे, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोई धरती माँ नहीं बची हुई है, कोई मान भी नहीं रहा है। मान रहे हैं तो 2-4 लोग, अगर 100 में से बहुत बड़ी बात है। एक तरह से हमारी संस्कृति, मैंने बताया ना कि अगर अपने पैर पर कुल्हाड़ी अपने हाथों से, क्या एक कहावत है, मुहावरा है आपका, उसे ऐसे अंदाज में लीजिए आप लोग कि अगर हमें बर्बाद होना, यानी कि अपने घर में अपनी ही तीली से आग लगाना सीखना है, तो भारतीयों से सीखना चाहिए। यानी कि हम अब टिकट खरीदते हैं, मूवी देखने जाते हैं, अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं किसी का इंटरव्यू, किसी दबंग, मतलब इस तरह के माफिया का इंटरव्यू सुन रहा था, देख रहा था, कोई एमपी का मुरैना तरफ का था। तो आप सोचिए, उसने कहा कि मैं मूवियों को देखकर ही इस रास्ते पर चला हूं, आदमियों को मार काटने की बात की है मैंने। आप समझ सकते हैं कि मतलब हमारे हमारी संस्कृति में तो है नहीं इस तरह की कोई भी, आप देखिए कि अश्लीलता ना कोई, मतलब आप कुछ भी नहीं देखेंगे। आज सबसे ज्यादा नुकसान अगर है तो हमें, मतलब या तो चंद नेताओं ने, या आपके ये चंद मीडिया घरानों ने, या चंद आप देखिए कि मूवियों ने, इन्हीं ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आप सोचिए, हमारे इतिहास पर अगर कोई मूवी बनाई जाती है तो उसे देखने के लिए हमारे 2 से 4 लोग जाएंगे 100 में से, और अभी कोई अश्लीलता पर मूवी आ जाए तो आप देखिए पूरे भर जाएंगे। तो हमारा भी योगदान इसमें, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में। हमारी संस्कृति तो बहुत संस्कृति थी कि कोई अगर गिर जाता था तो उठे उठाने के लिए 10 हाथ बढ़ जाते थे। आज छोड़िए, अगर गिर भी नहीं रहा होगा तो उसे गिराने के लिए 50 हाथ बढ़ जाते हैं। हमारी संस्कृति में तो बहुत था कि एक गांव में अगर भंडारा भी हो रहा है, खाना भी हो रहा है, तो एक उस गांव की छोड़िए, 50 गांव के आसपास के लोग आते थे, सुख दुख हर चीज में। और आज देखिए, आपका पड़ोसी के यहाँ कुछ त्योहार हो रहा है तो आप नहीं जाते हैं उसके यहाँ, अगर पड़ोसी के यहाँ दुख आ रहा है तो आप हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये संस्कृति बची हुई हमारी, समझ रहे हैं आप लोग? सम्मान देने की बात हो, पहले कहते थे कि वो आदमी इस तरह की तरक्कियों को ठुकरा देते थे कि अपने लोगों को रुला कर कोई तरक्की नहीं पा सकता है, कोई तरक्की मुझे नहीं चाहिए। आज के समय में आप देखिए कि अधिक से अधिक लोग दूसरे को दुखा के, यानी कि दूसरे को गिरा के, दूसरे को रुला के ही अपने आप को पावरफुल मानते हैं, अपने आप को खुशी मनाते हुए देखते हैं। मतलब हम दुनिया से मिल रहे हैं लेकिन अपने आप से 1 मिनट के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, क्या उखाड़ लेंगे आखिर? आप सोचिए, आगे बढ़ जाए तो 70 से 100 साल आप जी जाएंगे, हो सकता है भगवान आपके साथ है, आप 200 साल जिए, हम तो कहते हैं, लेकिन क्या उखाड़ लिया आपने? चलिए किसी के साथ, मैं तो कहता हूं देखिए, भरोसा हमेशा धरती पर रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमेशा रहना चाहिए, और इसका कदर भी, और जो भी आपको करना भी चाहिए, मैं तो कहता हूं। खैर छोड़िए, ये आजकल 21वीं सदी की बातें नहीं रह गई हैं। वैदिक काल के दौरान जंगली वनस्पति के उत्पादन व साथ ही सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर बल दिया गया। वैदिक काल के अंत में किसी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी है। यदि यह वह समय था जब पवित्र जंगलों व गुफाओं, पवित्र गलियारों व विभिन्न प्रकार की जातीय वन की प्रथाओं जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य की अवधारणा विकसित हुई है, जो वैदिक काल के भी लगातार चलती रही है। साथ ही व्यापक श्रेणी की जातीय वन की प्रथाओं को परंपराओं, प्रथाओं व अनुष्ठानों के साथ एकीकृत करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाती रही है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है उसी से संबंधित है एक तरह से। अब बात करते हैं वन वन एवं वन्य जीवन। वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता एक आधार आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या है, यानी कि जाति की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जैसे जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण की मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययनों से हमें पता चलता है
कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो सकता है। क्रियाकलाप 16.6 को भी पढ़ लीजिए। जिन वन उत्पादों का आप प्रयोग करते हैं उनकी सूची बना सकते हैं। आपके विचार में वन के निकट रहने वाले व्यक्ति किन वस्तुओं का उपयोग करता होता वन के अंदर रहने वाले व्यक्ति किन वस्तुओं का उपयोग करता होगा। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए, उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं में क्या कोई अंतर है अथवा कोई अंतर नहीं है, इनके कारण का भी पता लगाइए। इस क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है और दिमाग में ही सोच लेना है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिएगा, ठीक है? आगे निकल जाना। स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार। हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। हम में से कुछ लोगों के पास कुछ विकल्प हैं, परंतु कुछ के पास नहीं है। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इनके दावेदार कौन है। वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। सरकार का वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। आइए देखें कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या हैं अथवा वन से उन्हें क्या प्राप्त होता है। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ियां तथा छाजन की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्रित करने एवं भंडारण के लिए होता है। खेती के औजार मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल, नट्स तथा औषधि एकत्रित करने के साथ साथ अपने पशुओं को वन में चराते हैं अथवा उनका चारा वनों से एकत्रित करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? यह मत भूलिए कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और उनमें से पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे। और अंग्रेजों ने न केवल वनों पर अधिपत जमाया वरन अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हुआ। और स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने पास हाथ में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रही। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइन, चीड़, टीक अथवा यूकिलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गए। आप सोचिए कि देखिए, आप लोग जनजातियों को देख लिए, पूरी तरह से आपकी वनों पर निर्भर रहती थी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा। आप हजारों साल से देखती है लेकिन आप देखिए कि जब से अंग्रेजों की एक तरह से यहाँ हुआ, अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ या उनके आने से औद्योगिक क्रांति हुई, उन्होंने देखा कि किस तरह से पेड़ों का एक तरह से सफाया किया, ठीक है? क्या आप जानते हैं कि कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? टिम्बर, इमारती लकड़ी, कागज, लाख, खेल के सामान इसके कुछ उदाहरण हैं। उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते हैं। निहित स्वार्थ में से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफी ऊपर तक होती है। अतः उन्हें क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती है। उदाहरण के लिए किसी वन के टीक के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों से टीक प्राप्त करने लगेंगे। उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वे इनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करें जिससे कि वह आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। आपके विचार में लोगों को इस प्रकार के व्यवहार करने से कैसे रोका जा सकता है? एक तो सरकार का भी योगदान काफी इसमें रहा है वनों को बर्बाद करने में। आप सोचिए कि कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां सोचिए कि जंगलों को किस तरह से सफाया किया जाता है। उनके बदले कहीं दूसरे जंगल में आप देखेंगे पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। जहां आप लोग सफाई कर रहे हैं तो उसकी जगह दूसरी जगह ऐसी जगह आप चुन सकते हैं जहां आपके कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, वहां भी आप वृक्ष लगा दीजिए। या आप देखते हैं कि रोड डल चुकी है, उसके आसपास आप पेड़ लगा सकते हैं। और लगा दिए जाते हैं तो आप देखते हैं उनके लिए सुविधा नहीं रहती है, उनकी देखभाल नहीं की जाती है तो वो सूख जाते हैं।
आपने देखा होगा आपके गांव में कोई अगर रोड डला तो उसके आसपास लगा देंगे, लेकिन लगा के छोड़ देंगे। आप सोचिए कि अपने घर में अगर कोई बच्चा होता है, कोई आप सोचिए पशु भी रखते हैं, तो उसकी आप देखभाल करते हैं या नहीं करते हैं? तो आपको देखभाल करनी होगी उसकी, लेकिन अधिकतर में आप देखेंगे मामलों में देखभाल नहीं की जाती है। ठीक है, आप देखिए आजकल आप देख रहे हैं खनन के मामले ले लीजिए, किस तरह से आप देखिए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक अच्छी बात किसी ने लिखी थी कि आप गाय को भी देख लीजिए, अगर गाय खाना खाती है दूध देती है और उसकी कोई ज्यादा लालच नहीं होती है, और हमसे मतलब ही इंसान कोई दुनिया में होगा नहीं हम लोगों से, कि सबसे ज्यादा पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं और उसके लिए संरक्षित रखने के लिए या उसे सहायता कुछ नहीं दे रहे हैं। क्रियाकलाप 16.7 को भी पढ़ लीजिए कि नहीं, दो वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार पर है, चर्चा कीजिए कि यह उद्योग लंबे समय तक संपोषित हो सकता है अथवा क्या हमें इन उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों की जो वन पर निर्भर तो नहीं है, परंतु वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जीव जंतु बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी, गैंडा से हुआ है। अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को संपूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है, परंतु क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं? इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरा अनुसार वन के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था भी की है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में यानी कि उनकी याद में, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। एक बात और सोचिए आप लोग कि आपने देखा होगा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 1973 में, आपने देखा होगा कि अभी 2018 में गणना आई हुई 2967 आपके बाघ है, जिसमें मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सबसे ज्यादा 526 के करीब है, जिसे आप लोग टाइगर प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। तो अब इन्हें बनाने के लिए एक तरह से बचाने के लिए नीति हमें बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, समझ रहे हैं आप लोग? इतने हद तक हम लोग इन्हें प्रभावित कर चुके हैं। अध्ययनों से इस बात को भी स्थापित कर दिया है कि वनों के परंपरागत उपयोग के तरीकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का कोई ठोस आधार नहीं है। उदाहरण के लिए विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को कि सुरक्षित क्षेत्र में अल्पाइन के वन है जो भेड़ों के चारागाह थे, घुमंतू खानाबदेश चरवाहे प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दिनों में अपनी भेड़ घाटी से इस क्षेत्र में चराने के लिए ले जाते थे, परंतु इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बाद इस परंपरा को रोक दिया गया। अब यह देखा गया है कि पहले तो यह घास बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाती है जिससे नई घास की वृद्धि रोक जाती है। संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक रोकने के प्रबंधन संभवतः लंबे समय तक सफल नहीं हो पाए। किसी भी प्रकार से वनों को होने वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। हम औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विकास परियोजनाओं जैसे सड़क एवं बांध निर्माण से वनों के विनाश अथवा इसको होने वाली क्षति से आंखें नहीं मूंद सकते। इन संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों के द्वारा अथवा उनकी सुविधा के लिए की गई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में भी विचार करना होगा। एक बात और आप लोग सोचिए कि सरकार नियम बनाती है तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, उद्योगपतियों के लिए कोई नियम नहीं, जनजाति रह रहे हैं उस क्षेत्र में जो गरीब एक तरह से रह रहे हैं, अपना गुजारा बसारा करते रहते हैं, और उनके द्वारा पर्यावरण को या पेड़ों जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। उन्हें आप रोक देते हैं, उन पर आपकी चलता रहती है, तो वही है कि वो जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों की हालत क्या रहती है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें। वो अपना जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें हजारों पेड़ों को काट दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को, सरकार सोती रहती है। अभी कोई गरीब अगर इस तरह का कर दे तो उसमें आप देखते हैं कि उस पर कई तरह की नियम अधिनियम लागू हो जाएंगे, वो जेल में पहुंच जाएगा। अगर किसी संरक्षित यानी कि आप सोचिए कि जीप को अगर किसी के द्वारा शिकार किया जाता है बड़े व्यक्ति के द्वारा, कुछ समय पहले आपने एक चर्चित केस भी सुना होगा आप सभी को मालूम है, तो उसमें आपने देखा है कि वो बरी हो जाता है। अभी कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर गरीब आम जनता अगर कोई ऐसा कर दे तो उसे सजा के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये है हाल हमारा। हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। हमें इस हस्तक्षेप की प्रकृति एवं सीमा को नियंत्रित करना होगा।
वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। दूसरे शब्दों में, जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाए तो उसके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। यह विकेंद्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सके। जिस प्रकार का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उससे ही अंततः यह निर्णय होगा कि उससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है अथवा इसका और विनाश हो रहा है। पर्यावरण को पौधों और जंतुओं की सजावटी संग्रह मात्र नहीं माना जा सकता है। यह एक जटिल व्यवस्था है जिससे हमें उपयोग हेतु अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। हमें अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आपूर्ति हेतु इन संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना होगा। लेकिन हम कितना करते हैं ये आप खुद जानते हैं। एक खेजरी का व्यक्ति है। अब बात करते हैं संपोषित प्रबंधन की। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उपरोक्त सभी दावेदारों के लक्ष्य वन प्रबंधन के संदर्भ में समान है। उद्योगों को वन संपदा अधिकार बाजार के अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है, जबकि स्थानीय निवासियों को उनकी उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन एक काफी आपने देखा होगा चर्चा में भी रहा। स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। अतः यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल की रैनी नामक गांव में एक घटना जिसे 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकतर अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गई और उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भरकर चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। एक तरह से आप कहिए कि सरकार का योगदान मैं तो कहता हूं जनता से ज्यादा है। आप सोचिए कहीं आप लोग किसी को प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे रहे हैं तो अगर वो आप सोचिए कि पांच मान लीजिए पांच भी पेड़ काट रहा है तो मैं तो कहता हूं दो पेड़ तो उससे कहिए कि दो पेड़ तो दूसरी जगह लगाइए। लेकिन सरकार से मिली भगत होने के कारण आप देखते हैं कि जो भी एक तरह से औद्योगिक घराने होते हैं वो पर्यावरण को कितना भी प्रदूषित करते रहे कितना भी नुकसान पहुंचा रहे उनके उनके लिए कोई नियम कानून नहीं रहेंगे। इसी का परिणाम देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनः पूर्ति होने वाले इन संसाधनों का संरक्षण अंतर्निहित है और इसी उद्देश्य से उनके उपयोग के तरीके पर प्रश्न उठाए गए। लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काट कर गिरा दिया होता और क्षेत्र सदा के लिए वृक्षहीन हो जाता। स्थानीय समुदाय वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाएं एवं पत्तियों की ही काटता है जिससे समय के साथ साथ उनका पुनर्पूरण भी होता है रहता है। चिपको आंदोलन बहुत ही तेजी से बहुत से समुदायों में फैल गया एवं जन संचार ने भी इसमें योगदान दिया और सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वन किसके हैं तथा वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार पर मजबूर कर दिया जाए। अनुभव ने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती वरन मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी। और ये भी सही बात है कि आप गांव में देखिए अगर किसी को लकड़ी की जरूरत है तो वो शाखाएं काटेगा वो बिल्कुल जड़ नहीं काट देगा। आप देखते हैं कि किसी पेड़ की अगर आप लोग आसपास जो लटकी हुई शाखा रहेगी तो उन्हें काट दीजिए दोबारा वो जमा आएंगी उसमें या तो और भी फूट जाएंगे ठीक है तो ये देखा जाता है। लेकिन ये तो कहीं किसी का समाधान नहीं है कि आप पूरा पेड़ जड़ी काट दीजिए कि पूरा राम नाम सत्य हो जाए। अब बात करते हैं वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण देख लेते हैं। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूरण करने की अपनी योजना के असफल होने के कारण पता चल लगा कि सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई जिसके फलस्वरूप वन कर्मचारियों और ग्रामवासियों में अक्सर झड़पें होने लगी। इन झड़पों ने नक्सली जैसे हिंसक आंदोलन को और भी हवा दी। अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया तथा मेदिनापुर के अरावाड़ी वन क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की। वहां वन विभाग की एक दूरदर्शी अधिकारी AK बनर्जी ने ग्रामीणों को अपना योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन की 1772 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए रोजगार मिला साथ ही उन्हें वहां से उपज की 25% के उपयोग का अधिकार भी मिला और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति भी दी गई। स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से
1983 तक अरावाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया और पहले बेकार कहे जाने वाले वन मूल्य का 12.5 करोड़ रुपए आंका गया। एक बात और आपको बताऊं, आप कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ है, तो मैं कहता हूं इसमें योगदान आप लोगों का सबसे ज्यादा रहा है। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री साहब का कह लीजिए या प्रधानमंत्री सरकार की जो प्रशासन है उसका कह लीजिए, मैं मात्र 5 से 10% योगदान मानता हूं। अगर आप लोग सहयोग ना करते तो इससे पहले भी कई तरह की योजनाएं सफल नहीं हो पाई। तो आप सोचिए कि कहीं भी आप जानते हैं कि कहते हैं ना प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं कि एक एक कदम अगर पूरा देश चला तो 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो देखिए सबको साथ लेने में मुझे लगता है कि काफी हो सकता है, सहूलियत भी हो सकती है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो ये उदाहरण उसके लिए काफी फिट भी बैठता है। इसके लिए अगला आपको भी पढ़ लीजिए 16.8 निम्न के द्वारा वनों को होने वाली क्षति पर परिचर्चा कीजिए। राष्ट्रीय उद्यानों के में पर्यटन के लिए आराम गृह का निर्माण करना, राष्ट्रीय उद्यानों में पालतू पशुओं को चराना, पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक बोतल थैलियों तथा अन्य कचरों को राष्ट्रीय उद्यान में फेंकना, एक तरह से इसके लिए नुकसानदायक है। एक क्वेश्चन दिए गए ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं सभी के लिए जल। क्रियाकलाप 16.9 को पढ़िए। महाराष्ट्र के एक गांव में जल की कमी की दीर्घकालीन समस्या से जूझ रहे ग्रामीण एक जल मनोरंजन पार्क का घेराव कर लेते हैं। इस पर परिचर्चा कीजिए, क्या यह उपबंध उपलब्ध जल का समुचित उपयोग है। एक बात और मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने ही काफी समय पहले देखा है कि आप सोचिए कुएं इतने भर जाते थे कि ऊपर से पानी लेने ले लेते थे लोग। ये ज्यादा टाइम की बात नहीं है, आप 2005-06 की बात करिए, 2006-07 में देखिए आप लोग, इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। पहले भी तो आप देखिए, लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए, आप बोरिंग देखिए, कितने भी आप लोग ट्यूबवेल कुओं की स्थिति देख लीजिए, कितने गहरे करते जा रहे हैं, फिर भी पानी दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देता। पहले पानी बरसात होती थी तो आप देखते थे 7-8 दिन लगातार बरसात हो रही है, घर से निकलना एक तरह से बुरी हालत हो जाती थी। आज के समय में देखिए नाम मात्र के लिए मालूम ही नहीं चलता है कि बरसात का मौसम आया या निकल गए। तो ये हमारे हम ही लोगों का योगदान के कारण एक तरह से देखने को मिल रहा है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है। हम कक्षा 9 में एक साधन के रूप में जल के महत्व तथा जल के चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। क्रियाकलाप 16.10 को पढ़िए। एक एटलस की सहायता से भारत में वर्षा के पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां पर जल की प्रचुरता है और ऐसे क्षेत्रों की जहां इसकी बहुत कमी देखने को मिलेगी। राजस्थान में आप देखिए जाइए, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा देखना है कि मेघालय में जाइए, मासिनराम आप सुनते हैं ना, बिस्की सबसे ज्यादा वर्षा वहां होती है। उपयुक्त क्रियाकलाप के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध है। वर्षा के प्रतिरूप के अध्ययन से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का पूर्ण सत्य सामने नहीं आता। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए आप देखते हैं कि आपके यहाँ की फसल की यानी कि जो कृषि रहती है उसे मानसून का जुआ कहते हैं, यानी कि अच्छा मानसून रहा तो अच्छी खेती हो जाएगी और अच्छा नहीं रहा तो राम नाम सत्य है। आप देखिए अधिक से अधिक क्षेत्र हमारा वर्षा पर निर्भर रहता है। बुंदेलखंड बघेलखंड का क्षेत्र देखिए आप लोग, यहाँ के किसानों की हालत आप लोग देखिए। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है और प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्रों में वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भू जल स्तर की उपलब्धता में काफी कमी आई है। फसलों की जल की अधिक मात्रा की मांग उद्योगों से प्रभावित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे से जल को प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। बांध जलाशय नहरों का उपयोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता रहा है। पहले इन तकनीकों का उपयोग प्रयोग स्थानीय लोगों द्वारा की गई दखल थी तथा स्थानीय निवासी उसका प्रबंधन कृषि एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे जिससे जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। इस भंडारित जल का नियंत्रण भली प्रकार से किया जाता था तथा जल की उपलब्धता और दशकों एवं सदियों के अनुभव के आधार पर इष्टतम फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। अब आप लोगों को एक जानकारी देता हूँ सामान्य सी, इसमें कोई कठिन भाषा नहीं है। मैं आप लोग देखते होंगे कि मैं नेताओं को हमेशा बुरा भला एक तरह से बोलता रहता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरे हैं। आप लोग जब तुलना करने लगते हैं आज के नेता से और आजादी के नेताओं से, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग गंगा के पानी से एक तरह से अपने गांव के नाले की तुलना मत करिए।
ये बुरा आपको लग सकता है शायद, आज के नेताओं में और समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरा बायोग्राफी सबकी कवर करने का उद्देश्य ही इतना था कि आज के नेताओं की जानकारी आपको होनी चाहिए उस समय के नेताओं की। आप समझिए कि हमें आजादी दिलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम गांधी को गाली दे रहे हैं, नेहरू को दे रहे हैं, भगत सिंह को दे रहे हैं, हमारी औकात है क्या उन्हें गाली देने की? हमने क्या उखाड़ा है अपने आप में? उसे भी तो आप जानिए। आप समझिए कि बुंदेलखंड में एक समस्या मैंने अपने आंखों से देखता हूं, और उस समस्या का समाधान बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि आप समझिए कि कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं देखा जाता। बघेलखंड जाइए और आप जाइए बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों में काफी मैंने देखा है अपनी आंखों से कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या है। महिलाओं को स्थिति ये है कि महिलाएं, आप देखिए, 1 से 1.5 किलो, 2 किलो, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं। बुंदेलखंड में बेतवा नदी में मुझे लगता है कि इतना पानी तो हमेशा रहता है कि वहां के लोगों का पीने का पानी तो काम चल सकता है, आराम से चल सकता है। तो इतना नहीं हो सकता है कि झांसी तक पानी पहुंचा दे, या बुंदेलखंड के अन्य जो जिले हैं, ओरछा, निवाड़ी, इन तक पानी पहुंचा दे आराम से। तो सरकार निकम्मी इतनी देख लीजिए आप लोग, और बुंदेलखंड से आपको कई नेता उभरते हुए देखेंगे, लेकिन बुंदेलखंड का विकास पिछड़ा हुआ है। मैंने हमेशा बोला है आप लोगों से कि इसमें हमारा भी योगदान उतना ही है, और नेताओं से ज्यादा हमारा योगदान है। आप खुद जानिए कि हम लोग अंधभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर चुनेंगे नेता, तो वो क्या करेगा, क्या रिजल्ट देगा, आपके सामने होगा। हम किसे चुनते हैं? एक ईमानदार को ना चुन के उसे चुनते हैं जो एक बलात्कारी है, एक तरह से डकैत है, एक तरह से चोर है, आप कहीं एक तरह से मर्डर किए हुए हैं, तो उसी का आप लोगों को रिजल्ट मिलता है। चुनाव का मुद्दा हमेशा आप लोग देखिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जिस दिन ये 3-4 मामले अगर आपके वोट बैंक की राजनीति इस पर होने लगी, उस दिन समझिए कि देश ही आपका आगे बढ़ जाएगा। क्षेत्र की छोड़िए, आज जो हम लोग फ्रांस से राफेल खरीदते हैं, हम लोग कई देशों से कुछ सामान खरीदते हैं, उल्टा हमारे देश से निर्यात होने लगेगा, तब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारे नेता ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है? हम लोग उन नेताओं को चुनते हैं जो एक तरह से जिनकी औकात कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ नहीं खाया, उन्हें आप लोग परोस देंगे 56 भोग, तो वो क्या करेंगे, बर्बाद ही करेंगे। तो उसका भुगतान भी आप कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी भी करेंगी और आने वाली और पीढ़ी भी करेंगी। आज से 70 साल से हम एक पार्टी की भक्ति कर रहे हैं, अब एक भक्ति एक की चोटी तो दूसरी की हम गुलामी करते रहेंगे, ठीक है? और ये गुलामी और भक्ति का एक और इसमें एक और कमी होती है कि जब आप किसी के प्रति अगर अंधभक्ति करने लगते हैं, तो आपकी उसमें अच्छाई अच्छाई दिखना शुरू होती है, बुराई आपको कभी नहीं दिखती है उसमें, समझ रहे हैं? खैर छोड़िए, भुगतती जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे, और काट भी अच्छे से रहे और काटते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी और को कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आम जनता को, ठीक है? आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, आपके बच्चे स्वास्थ्य व्यवस्था छूट रहे हैं, नौकरी के लिए आप भटक रहे हैं, 100-150 रुपए के लिए काम करते रहते हैं, और वो भी नहीं मिलता है। आप सोचिए, इसकी जगह आप पढ़ लिख जाते हो, और दिल्ली की जनता को मैं हमेशा समझदार मानता हूँ। आप खुद सोचिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मुद्दे हैं हर हर किसी के, अमीर हो गरीब हो, उसे स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा तो चाहिए उनके बच्चों को, और दिल्ली सरकार ने ये दिया है, और दिल्ली ने देखिए दोबारा अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से जिताया है, क्योंकि आपने देखा है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के उनके जो भी स्टार प्रचारक थे सभी लग गए थे, गली गली घूम रहे थे, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो इस तरह की राजनीति पर वोट दिया करेगा, ठीक है? अनुभक्ति छोड़िए, और इसमें आप रिश्तेदार थोड़ी चुन रहे हैं कि जात का है, हमारी पात का है, आपको तो जो काम कर रहा है उसको चुनिए ना आप लोग, आपको क्या मतलब है? अंग्रेजों ने भारत आकर अन्य बातों के साथ साथ इस पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी परियोजनाओं जैसे कि विशाल बांध तथा दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की सर्वप्रथम संकल्पना कर उन्हें क्रियान्वित करने का भी कार्य भी अंग्रेजों द्वारा ही किया गया, जिसे हमारे स्वतंत्र होने पर हमारी सरकार ने भी पूरे जोश के साथ अपनाया। इन विशाल परियोजनाओं से सिंचाई के स्थानीय तरीके उपेक्षित होने होते गए, तथा सरकार धीरे धीरे इनका प्रबंधन प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दुख इसलिए होता है, देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख इसलिए होता है, कभी अभी कुछ दिन पहले कहीं गया था, वहां मैंने देखा कि दूर दूर से कम 2 से 3 किलोमीटर से छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे, आप सोचिए कि वो महिलाएं पानी भर के ला रही हैं, जितनी उनकी क्षमता नहीं है वजन उठाने की उतनी भी,
आप सोचिए कि मतलब क्या हालत रहती है, और नेताओं की हालत देखिए। अभी लॉकडाउन में भी तो आपने देख लिया है, असली चेहरा यही नेताओं की। और रामायण देख रहे थे, कोई महाभारत देख रहा था। मैं तो आप लोगों से ही पूछता हूँ, भगवान श्री राम होते अगर इस समय भी, तो क्या वो घर में बैठ के चुपके से ये सभी तमाशा देखते? मैं कहता हूँ कभी नहीं देखते, वो जाकर रोड पर निकलते और सबकी सहायता करते, इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, और याद रखिए कुछ नहीं, इतिहास सब कुछ लिखेगा, इस समय को भी इतिहास लिखेगा उस समय। ठीक है, और जितना आप लोग गांधी नेहरू या किसी और स्वतंत्रता सेनानी को गालियां दे रहे हैं, उससे दुगनी पड़ेंगी। हमारे कर्मों पर लोग थूकेंगे उस समय, हमारी आने वाली पीढ़ी, कि जब देश बर्बाद हो रहा था, लोग त्राही त्राही मार मार त्रासदी झेल रहे थे, उस समय हम लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, आवाज नहीं उठा पा रहे थे। हमारी जिंदगी 100-150 साल की रहेगी, लेकिन इतिहास जब तक धरती रहेगी तब तक बना रहेगा। ठीक है, लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ। इन्हें कुल कुल कहा जाता है, और झरनों से बहने वाली जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांव तक ले जाया जाता है। इन कुल्हे से प्राप्त जल का प्रबंधन क्षेत्र के सभी गांवों की सहमति से किया जाता था। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कृषि के मौसम में जल सर्वप्रथम दूरस्थ गांव को दिया जाता था, फिर उत्तरोत्तर ऊंचाई पर स्थित गांव उस जल का उपयोग करते थे। कुल को देख देख कर एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोग रखे जाते थे, जिन्हें गांव वाले वेतन भी देते थे। सिंचाई के अतिरिक्त इन कुल से जल का भूमि में अंतः श्रवण भी होता रहता था, जो विभिन्न स्थानों पर झरने को भी जल प्रदान करता रहता था। सरकार द्वारा इन कुलों के अधिग्रहण के बाद इनमें से अधिकतर निष्क्रिय हो गए, और जल के वितरण की आपस की भागीदारी की पहल जैसी व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब बात कर लेते हैं बांध के बारे में, इसे भी आप लोग सुनते रहते हैं। हम बांध क्यों बनाना चाहते हैं? बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं, वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं, और आप लोग सुनते रहते हैं कई बार कि ये बांध है, ये बहुउद्देशीय बांध है, यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य पूरे हो रहे हैं उससे। इनमें से निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा में कुछ दूरस्थ स्थानों तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए इंदिरा इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र में हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात्र कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के कारण जल प्रबंधन के लाभ से बहुत से लोग वंचित रह गए। जल का समान वितरण नहीं है, अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों उगा देते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता है। उन व्यक्तियों की व्यथा और भी बढ़ जाती है तथा असंतोष होता है, जबकि उन व्यक्तियों को जिन्हें बांध एवं नहर बनाते समय विस्थापित किया गया था और उस समय के लिए किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए। बड़े बांधों के बनाने के विरोध में उठ रहे उन कारणों की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। गंगा नदी पर बना टहरी बांध इसका एक उदाहरण है, और आपने देखा होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में भी अवश्य पढ़ा होगा आपने, जिसमें नर्मदा नदी पर बनने वाले जो बांध थे, सरदार सरोवर बांध, इसकी ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा था। बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः 3 समस्याओं का की चर्चा विशेष रूप से होती है। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। आर्थिक समस्याओं की बात करें तो क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं होता है। पर्यावरणीय समस्या, क्योंकि उससे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। अब आप लोगों में से कई कहते हैं कि हमें काय का नुकसान, तो याद रखिए देश में कुछ भी हो रहा है, कोई रोड भी डल रहा है, तो उसमें आपका भी योगदान है। अब आप में से अधिकतर लोग कहते हैं मैं सर टैक्स नहीं देता हूँ, तो आप इनडायरेक्ट तो टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप भी दे रहे हैं और मुकेश अंबानी भी दे रहा है, तो आपका भी उतना ही कर्तव्य है कि आप लोग अपनी यहाँ जो भी सरकारी काम हो रहा है उसकी देख रेख करें। अगर वहां कुछ समस्याएं देखने को मिल रही तो आप जानकारी लिखकर भेजें, शिकायत करें उसकी। ठीक है, विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं, जिन्हें इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं होता है तथा उन्हें अपनी भूमि एवं जंगलों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति भी समुचित नहीं होती है। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को अभी भी वह लाभ नहीं मिल सके जिनका उनको वायदा किया गया था, एक तरह से उनसे कहा गया था। अब बात करते हैं जल संग्रहण की। एक पारंपरिक प्रौद्योगिकी द्वारा भारत के वाटरमैन देश के सबसे शुष्क क्षेत्र के सूखाग्रस्त गांव के हजारों ग्रामीणों की जिंदगी बदल पाए।
दो दशकों के प्रयास के बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, जल पुरुष भी कहते हैं ना आप लोग डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8600 यानी कि 8600 जो हेड और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया तथा तो राज्य भर की 1000 गांवों में पानी वापस लाया। 2015 में उन्होंने स्टॉकहोम पुरस्कार जीता था। यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो ग्रह और इसके निवासियों की भलाई के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रख संरक्षण में योगदान करने वाली व्यक्ति का सम्मान करता है। इनके बारे में भी कई बार पूछ लेता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में। जल संवर्धन प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो सके। और जल संवर्धन प्रबंधन न केवल जल और संवर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ता है वरन सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है तथा निचले बांध एवं जलाशयों का सेवा काल भी बढ़ता है। अनेक संगठन प्राचीनकालीन जल संरक्षण प्रणालियों को पुनर्जीवित करने में लगे हैं जो बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का विकल्प बन सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में चले जाइए आप तो उस समय भी इस तरह की योजनाएं आपको देखने को मिलती है। तो आज सोचिए आज की स्थिति उस समय लोग हम लोगों से ज्यादा समझदार थे। किसी ने अभी पढ़ रहा था कहीं आर्टिकल, कोई कह रहा था कि पढ़े लिखे लोगों मतलब अनपढ़ लोगों से एक तरह से पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हैं, सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान यही लोग पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इन समुदायों ने जल संरक्षण के ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाले प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके, यथा छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, साधारण जल संवर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रह बनाना तथा घर की छतों से जल एकत्रित करना। इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है और नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। जल संग्रहण भारत में बहुत बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खादिन बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बांधारस एवं ताल, मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बांधिस, बिहार में आहार और पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम और कर्नाटक में कट्टा इत्यादि प्राचीन जल संग्रहण है और तथा जल परिवहन संरचनाएं आज भी उपयोग से में है। उदाहरण के लिए चित्र 16.3 को देख सकते हैं। जल संग्रहण तकनीकी स्थानीय होती है और इसका लाभ भी स्थानीय सीमित क्षेत्रों को होता है। स्थानीय निवासियों को जल संरक्षण का नियंत्रण देने से इस संसाधनों के अकुशल प्रबंधन एवं अतिदोहन कम होते हैं, अतः पूर्णता समाप्त हो सकते हैं। बड़े समतल भूभाग में जल संग्रहण तथा संग्रहण स्थल मुख्यतः अर्धचंदाकार मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान, वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाले नलियां, प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन छोटे बांधों के अवरोध के कारण इनके पीछे मानसून का जल तालाबों में भर जाता है। केवल बड़े जलाशयों में जल पूरे वर्ष रहता है परंतु छोटे जलाशयों में यह जल 6 महीने या उससे भी कम समय तक रहता है, उसके बाद यह सूख जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जल संग्रहण नहीं है परंतु जल भौम स्तर में सुधार करना है। जल के भौम जल के रूप में संरक्षण के कई लाभ भी हैं। भौम जल से अनेक लाभ हैं। यह बाष्प बनकर उड़ता नहीं है परंतु यह आसपास में फैल जाता है, बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती है। भौम जल मानव एवं जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों तालाबों में ठहरे पानी के विपरीत संदूषित होने से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। यहाँ आप देखिए जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था खादिन पद्धति का आदर्श व्यवस्थापन। जल संग्रहण खादिन अथवा फसल वाले क्षेत्र, खादिन बांध हो गया, खारा क्षेत्र, ओथर गो, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट में आप लोग देखिए कि कोयला एवं पेट्रोलियम को भी आप लोग देख लीजिए। हमने कुछ स्रोत जैसे कि वन, वन्य जीवन तथा जल के संरक्षण एवं संपोषण से संबंधित अनेक समस्याओं की चर्चा की है ऊपर। यदि हम इनके संपोषण के उपाय अपनाएं तो इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहेगी। और अब हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। और आप देखेंगे कि हमारे देश की आधे से अधिक ऊर्जा पूर्ति इन्हीं से होती है। औद्योगिक क्रांति के समय से हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। इस ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। ऊर्जा संबंधी ये आवश्यकताएं हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। आज से कुछ समय सालों पहले आप देखेंगे तो ऊर्जा के बिना
आप कह सकते थे कि हाँ आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन इस समय आप, मुझे लगता है कि आप कोई नहीं कह सकता है। मैं तो कहता हूं एक तरह से आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं कि ऊर्जा आज खत्म हो जाएगी तो आप सोचिए कि आपका एक तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, जल ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर, ठीक है। इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुन भिन्न तरीकों से किया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों का जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होता है, अतः चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें फिर भी यह स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम है फिर चाहे कोला कोयला, इसे बनने में लाखों साल लगते हैं और इसे उपयोग में देखिए आप लोग कुछ मिनट में खत्म कर देते हैं आप लोग। जैसे 1 किलो मान लीजिए कि आप कोयला, इसे बनने में लाखों साल लगे होंगे, उसे आप कुछ सेकंड में खत्म कर देते हैं। अतः अब हमें ऊर्जा की विकल्पी स्रोतों की खोज करने की आवश्यकता है, यानी कि दूसरे ऑप्शन। यह संसाधन यदि वर्तमान दर से प्रयोग में आते रहे तो कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे, इस बारे में विभिन्न आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों में तथा कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकता है। परंतु जब हम कोयले एवं पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विषय में विचार का एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं और जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर गंधक भी होते हैं। जब इन्हें जलाया दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार हैं। यदि इनका संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक ऊष्मन की होने की संभावना है। इस समस्या को अभी भी आप लोग देख रहे हैं। इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता, यानी कि ज्ञान, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए इनका उपयोग करना चाहिए। कुछ सरल विकल्पों से हमारे ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है। अनुपातिक लाभ हानि एवं पर्यानुकूलन पर विचार कीजिए। बस में यात्रा, अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल साइकिल से चलना। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप देखिए कि आपको कहीं जाना है तो बस से चले जाइए, रेल से चले जाइए, अपने वाहन ले जाने की आवश्यकता कहाँ की है। अपने घरों में बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना, यानी कि ऐसे बल्बों का प्रयोग करना जो बिजली को बचाते हों, लिफ्ट का प्रयोग करना तथा सीढ़ियों का उपयोग करना, और सर्दी में एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना तथा हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करना। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए सीढ़ियों का प्रयोग करिए ना, लिफ्ट का कम ही प्रयोग करिए, ठीक है। बल्ब आप देखते होंगे 100 वाट का एक आता था, और आप देखिए अब 10 से 15 की आ जाती है अच्छी सी FL या LED, ठीक है। और हीटर और सिगड़ी की जगह आप देखेंगे स्वेटर पहनिए। कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हमारी मशीनी की क्षमता पर भी निर्भर करता है। यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इनमें ईंधन का पूर्ण दहन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सके, जिससे कि इनकी दक्षता भी बढ़े और वायु प्रदूषण को भी कम कर सके। अब इसे भी देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है और इस पर विचार करने के लिए हमें खुले दिमाग से सभी पक्षों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। हमें यह तो मानना ही होगा कि लोग अपने हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास करेंगे, परंतु इस वास्तविकता को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे कि कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ बहुसंख्यकों के दुखों का कारण बन सकते हैं तथा हमारे पर्यावरण का पूर्ण विनाश भी संभव है। कानून, नियम एवं विनियमन से आगे हमें अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को सीमित करना होगा, जिससे कि अवकाश का लाभ सभी को और सभी भावी पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। तो सभी को देखिए सरकार कितनी भी नियम कानून लाती रहे, लेकिन हम सब योगदान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है। तो आप सभी योगदान दिया करिए। आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें, हमारे संसाधन जैसे वन्य जीवन, कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग संपोषित रूप से करने की आवश्यकता। एक तरह से संपोषित का अर्थ इस तरह ले सकते हैं कि इस तरह से उपयोग करें कि सबको उपलब्ध हो और आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध बने रहें। कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण की नीति अपनाकर हम पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। वन संपदा का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जल संसाधनों के संग्रहण हेतु बांध बनाने में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्या आती है। बड़े बांधों का विकल्प उपलब्ध है, यह स्थान क्षेत्र विशिष्ट तथा इनका विकास किया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र के संसाधनों के नियंत्रण
सौंपा जा सकता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम अंततः समाप्त हो जाएंगे, इनकी मात्रा सीमित है। इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित भी होता है, हमें इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। और इस अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है। और इसके साथ आपका 10th तक की सभी बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं। और अब बचती हैं आपकी 11th और 12th की बुक्स, ये मेन है आपकी। ये तो एक तरह से आप कहिए कि बेस बनाने के लिए आप जब मकान बनाते हैं तो नींव भरते हैं ना, उसी तरह की स्थिति थी। कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। और मैं तो कहता हूँ कि नहीं, आप लोग पढ़ेंगे अगर तो बहुत जल्दी कम समय में खत्म कर सकते हैं। और 1 से 2 बार आप लोग पढ़ लीजिए तभी आप लोग 11th और 12th में जाइए। तो ये शिकायत मुझे लगता है किसी की नहीं रही होगी कि कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की नहीं पढ़ाई, सभी एक एक चैप्टर करके सभी बुक्स पढ़ा दी गई हैं, जो आपकी स्टेट पीसीएस हो, फिर चाहे आईएएस हो या एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीसीएस, सबके लिए जरूरी करवा दी गई। और 11 और 12 की हम लोग बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलता रहता है आपकी कवर करता रहता हूँ, ठीक है। देखिए समय का सब किसी के पास अभाव है, लेकिन इतना वादा है आप लोगों से कि आपको पीडीएफ तो दे ही दी गई है, और जो भी आपको जरूरत हो कि ये बुक नहीं मिल रही है उसकी भी पीडीएफ बनवा दूंगा, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। एक तो क्या है कि अकेला हूं, आप समझिए कोई मदद कर देता है ठीक है, वरना अकेला बैठे रहिए तो ये हालत है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा हर समस्या की समाधान करने की, ठीक है।